सितम गर ये गुर्बत क्या करे। ठीक ही नाराज हूं ना मैं। अच्छा बस लास्ट चांस ना, आई प्रॉमिस अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और अगर हुई तो? नहीं होगी, तुम्हारी कसम। वाह, सामने रखी हुई चीज तो नजर आती नहीं आपको। हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ होता है, कहीं और ध्यान जाता ही नहीं। मैं हुज़ैफ़ा के साथ नहीं रह सकती। देखिए किस बुरी तरीके से उसने मेरा हाथ मरोड़ा है। अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो कल को हाथ उठाएगा वो मुझ पे। चुप करो। जानता हूं सब कुछ उसका किया धरा नहीं है, तुमने भी आगे से जबान चलाई होगी। कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक सिर्फ उसी सूरत में रह सकती हूँ जब आप दोनों चली जाएंगी इस घर से। नहीं मां, बस मैं सब समझ गया, सब समझ गया। बेचारी ज़ैन, इसको गलत समझता रहा मैं। नहीं मां, कितना गंदा खेल खेला तुमने। सितम गर ये गुर्बत क्या करे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाभी। और मेरा ख्याल है कि आज ही सुफियान के सर का सदका दे दें। सदका भी दूंगी और मेरे बेटे की जान से खेलने वालों को सजा भी दिलवाऊंगी। सजा तो जरूर मिलेगी। देख लिया आपने उस दौलतमंद घमंडी के कारनामे? देखे आपने मेरे बेटे पे जानलेवा हमला किया उसने, आपको नजर नहीं आ रही? और आप हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं, इसी को ही गलत कहते हैं। देख रहा हूं, सब देख रहा हूं। सुफियान ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, अब उसे सजा दिलवानी तो है, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। अपने हमेशा नहीं होते। हुज़ैफ़ा बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी सुफियान की जान बचाई है खून देके। क्यों शर्मिंदा करिए ताईजान, सुफियान तो मेरा भाई है, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे सुफियान तुम्हें वहां यूं तन्हा जाना नहीं चाहिए था, बल्कि जाना ही नहीं चाहिए था। शुक्र करो कि टांग में गोली लगी है, अगर कहीं और लगी होती तो अल्लाह ना करे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मैं तो वहां उससे सिर्फ एक बात क्लियर करने गया था कि वो मुझे अपने पीए के मामले में ना घसीटे, लेकिन वो तो पहले से प्लान करके बैठा था कि मुझे जान से मार देगा। उसकी सारी प्लानिंग ना दरी की दरी रह जाएगी जब उसे सजा मिलेगी। छोड़ो इन बातों को, बस दुआ करो जल्दी ठीक हो, घर आए, क्योंकि उन लोगों को छोड़ना तो नहीं है मैंने इस तरह। अरे भाई साहब, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और हो क्या जाएगा, हो गया माशाल्लाह। लानत नहीं, उसे तो जेल भेज। अब क्या होगा, मेरा दिल तो अभी से घबरा रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, बेकसूर हूं मैं। मैंने नहीं गोली चलाई उस पर, उसने इतनी घटिया बातें की तुम्हारे बारे में, बस उसी का फायदा उठाया उसने। मैं जानती हूँ सुफियान ने बहुत ही घटिया तरीका अपनाया है, उसे रिश्तों की जरा भी कदर नहीं रही। लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी परवाह है, आपकी फिक्र है। अगर आपको कुछ हो गया तो? नहीं फिक्र करो मेरी, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं देख लूंगा उसे। कैसे फिक्र ना करूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कहीं मेरा दिल ही बंद ना हो जाए। रिलैक्स हो, भाभी सुफियान कैसा है? तुम्हें क्यों सुफियान की फिक्र होने लगी? तुम्हारे दामाद ने ही तो गोली मारी है उसे, अनजान हो या अनजान होने का ड्रामा कर रही हो? मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती, प्लीज बस मुझे ये बता दीजिए कि सुफियान कैसा है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मैं अपने आप को किसी मसले में नहीं फंसाना चाहती, सुन लिया है ना तुमने? और अगर भाभी ने सुन लिया कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो खामखाई में क्लास हो जाएगी मेरी, मत कॉल।
सुफियान बिल्कुल ठीक है। तुम्हें सुफियान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं। भाभी आप, भाभी नहीं, सुफियान की माँ और अपनी दुश्मन समझो मुझे। ऐसी बातें कर रही हैं आप, मैं क्यों सुफियान की दुश्मन होने लगी? मुझे तो उसकी फिक्र है बहुत। नहीं, तुम्हें सुफियान की फिक्र नहीं हो रही, तुम्हें तो ये टेंशन लग गई है कि अगर सुफियान जिंदा है या नहीं, ताकि तुम्हें ये अंदाजा हो जाए कि शहरोज को कितनी सजा होगी। आपकी बातों से लग रहा है कि सुफियान ठीक है। हाँ, मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन मेरे बेटे को मारने की कोशिश करने वालों को बख्शूंगी नहीं मैं। ज़ैनब, ये बात तुम भी अच्छे से याद रखना और अपने सगों को भी समझा देना। बाहर मैं आपको बता रही हूँ, ये सब ज़ैनब का कसूर है। जब उन्हें पता था कि उनका भतीजा उशना के पीछे पागल है, तो क्यों नहीं रोका उन्होंने सुफियान को? क्यों उठ उठ के उनके घर जाती थी, दोस्तियां बढ़ा रही थी उन सबसे? मिलवा, ये कोई वक्त है इस किस्म की बातें करने का? मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर उशना और शहरोज की शादी ना हुई होती तो हम आज ये दिन ना देखते। वो सब ठीक है, उसको सिर्फ टांग में गोली लगी है, आउट ऑफ डेंजर है। खुदा का शुक्र यार, थैंक गॉड फॉर दैट। कम से कम इसकी तरह से तो इत्मीनान हुआ ना। कभी कभी दुश्मन के बच जाने पर भी खुशी होती है, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। ले आई खुशी की खबर, आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा ना। मगर मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा वहाब, वो लड़का चुप करके बैठने वाला नहीं है। मुझे नहीं पता वो आगे क्या करेगा, देख लीजिएगा, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। नहीं, मैं जो होगा देखा जाएगा, शुक्र करें वो बच्चा बच गया। खुदा ना खास्ता वो मर गया होता तो शहरोज के लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाती? वो साहब बाहर पुलिस आई है। क्या बाहर पुलिस आई है? अच्छा, क्या कह रही है तू? पूछ के पूरी बात क्यों नहीं आते हो तो? सुफियान ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है कि शहरोज ने उसे कत्ल करने की कोशिश की है। बिल्कुल झूठा है, झूठा बयान है। उसके ऑफिस गया वो और उसने गोली चलाई। देखिए वाहब साहब, ये बात तो आप कोर्ट में साबित करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जिस पिस्टल से इकदाम में कत्ल किया गया वो हमारे पास महफूज है और हमारे पास शहरोज साहब का अरेस्ट वारंट भी है। ये देखिए वाहब। अरे देखिए, जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। देखिए सर प्लीज, आप कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत ना करें, आप हमें हमारा काम करने दें। और हमने इनके स्टाफ से भी बयान ले लिया है और उन सब ने इन्हें गोली चलाते हुए भी देखा है। देखिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी टेस्ट से इनके फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। देखिए ये शहरोज कभी किसी पे गोली नहीं चला सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, ये सुफियान ने जान के इन्हें फंसाने के लिए किया है, साजिश है उसकी। मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक कह रही है इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल झूठा इल्जाम। देखिए अब ये सच झूठ का फैसला तो अदालत ने करना है, प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो गिरफ्तार करो इसे। कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं आप इसे? ये मुल्जिम है, मुजरिम तो नहीं है। गिरफ्तार करो इन्हें, मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आप परेशान हो, आप लोग परेशान ना हो, मैं आ जाऊंगा दोस्त। नहीं नहीं नहीं, आप इन्हें कहीं नहीं लेकर जा सकते, इन्होंने कुछ नहीं किया। बाबा आप कुछ कहें ना। नहीं प्लीज बाप, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, दो तीन दिन में आ जाऊंगा। नहीं बेटे चलो ले चलो, इसको हाथ नहीं लगाना। एक बात बता दो इंस्पेक्टर, ये बेटा है मेरा। चलो दरवाजा खोले। बेटा मैंने वकील को फोन कर दिया, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना। क्या परेशान? हाँ चले दरवाजा। आप भी परेशान? शहरोज, शहरोज आंटी, शहरोज। इंस्पेक्टर मेरे बेटे का खास ख्याल कीजिएगा। कौन से थाने लेके जा रहे हैं ये भी बताएं मुझे आप। इनसे पूछो कौन से थाने लेके जा रहे हैं। उमा वो शहरोज को ले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, आप जानती हैं ना, प्लीज कुछ करें। शहरोज भैया प्लीज डोंट वरी, आई एम जस्ट कॉलिंग द लॉयर।
किसी भी तरह जमानत कमाए वकील साहब। सारे सबूत शेरोज के खिलाफ हैं बाप साहब। एक फैमिली लायर होने के हिसाब से मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि शेरोज की जल्द अज जल्द जमानत करवा दूं। जल्द से क्या मुराद है, अभी और इसी वक्त मुमकिन क्यों नहीं है? सर इस वक्त कोर्ट बंद हो चुका है और आप बेटे की तकलीफ में ये भी भूल गए कि आगे दो दिन हॉलीडेज की वजह से कोर्ट भी बंद रहेगा। मतलब दोनों से लॉकअप पे रहना पड़ेगा। सर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ऐसी सिचुएशन का तो मैंने सोचा भी नहीं था। मंडे को केस कोर्ट में पेश होगा, साथ ही मैं जमानत के पेपर भी जमा करा दूंगा। आप तसल्ली रखें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह शेरोज बाहर आ जाएंगे। वकील साहब, शेरोज को बाहर निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, जितना पैसा लगता है लगे। अरे बेटे को जल्द से जल्द बाहर निकालें। आ जाएगा, आप तसल्ली रखें। थैंक यू। खुद को इतना कमजोर क्यों समझे बाप साहब? बाप बेटे को उस सलाखों के पीछे देखता है ना बेटा, कुछ कमजोर तो हो ही जाएगा। ना आप इतने कमजोर है ना ही मैं। प्लीज खुद को ठीक कर ले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे देखकर। दो दिन और रहना पड़ेगा। मैं बड़ी कोशिश की मैंने जमानत करवाने की बेटा, नहीं हो सका। मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा ही। और मेरी कोशिश होगी कि तुम्हारी इस मजबूरी को तुम्हारा मुकद्दर बना दे। आज आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा मेरे उस दर्द का, मेरी तकलीफ का, जो आपसे कई बार पहुंची है मुझे। मेरे बेटे को सलाखों के पीछे भेजने की तकलीफ, कल मेरी बारी थी, आज आपकी बारी है। तुम और मुझ में यही एक फर्क है। तुम एक ऐसे बेटे के बाप हो जो शैतान का दूसरा रूप है। अच्छा, और अपने साहबजादे के लिए क्या राय है आपकी, जिन्होंने बाकायदा कातिलाना हमला किया किसी पर? तुम्हारे बेटे ने गोली चलाई थी, ये घटी हरकत उसने मेरे बेटे को फंसाने के लिए की है। क्या अच्छी कहानी, गुड स्टोरी। सुफियान ने खुद ही को गोली मार ली। वाह, सब कुछ भूल के जैनब से माफी तो मांग ही ली थी ना मैंने, ताकि सब खुश रह सके। लेकिन आपके इस बेटे ने मेरे बेटे पे हमला करके बिलाखिर मेरे अंदर के बाप को जगा ही दिया। एक बात याद रखिएगा, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दूंगा, यहां तक कि मेरी जान भी चली जाए, लेकिन आपके इस बेटे को सजा दिलवा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जितनी धमकियां देनी है दे लो, लेकिन याद रखो मेरे बेटे का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, कुछ भी नहीं। वक्त बताएगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तुम्हारा बेटा, मैं जिंदा हूं ना। आप परेशान ना हो, वहां आप गए हैं ना, वो इंशाल्लाह शहरोज को लेकर ही आएंगे। आपकी वजह से आज मेरा बेटा लॉकअप में है, मेरे घर की सारी परेशानियां आप दोनों की वजह से हैं। मैं कोस रही हूं उस दिन को जिस दिन आप दोनों को इस घर में लेकर आई थी। आप गुस्सा ना करें, हम सब परेशान हैं शहरोज की वजह से। अच्छा रेली, शहरोज के लिए परेशान हैं आप? लगता तो नहीं। अगर परेशान है ना तो प्लीज चली जाए यहां से अपनी बेटी को लेके, क्योंकि आपकी वजह से एक के बाद एक परेशानी आ रही है हमारे घर पे।
नहीं मैं प्लीज चुप कर जाइए प्लीज। आप फेरोज को लेकर आए, कहाँ है वो? नहीं वो दरअसल छुट्टी है कोर्ट की दो दिन, तो फिर पीर को ही होगी जमानत। क्या मतलब है आपका? क्या शहरोज दो दिन तक लॉकअप में बंद रहेंगे? What are you saying? जी और तो कोई चारा नहीं है। कुछ नहीं हो सकता, उष्णा की वजह से आज मैं तड़प रही हूँ वहां अपने अकलौते बेटे के लिए। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है आपका? ऐसे उष्णा, उष्णा की वजह से आपको समझ नहीं आ रही कि उसका क्या कसूर है? Are you serious, सेना? क्या आपको नहीं पता कि सुफियान किसके पीछे दीवाने होकर मेरे बच्चे की जान के दुश्मन बने हुए हैं? Don't tell me that. भाव आप ठीक हैं? जी, वो रफाकत मिले थे, चैलेंज करके गए हैं कि शहरूज की जमानत नहीं होने देंगे। लीजिए, लीजिए, अब बोले। भाई ने ये कहा? जी देख लीजिए, ये वही भाई साहब हैं कल जिनकी माफियां मांगते मांगते जुबान नहीं थक रही थी। सच कहते वहां जिनकी फितरत में डसना होता है वो डस के छोड़ते हैं। अच्छा बादल, आप दोनों शहरूज के लिए दुआ कीजिए, ये रफाकत और इस जैसे घटिया लोगों को डील करने के लिए मैं हूं ना। लगता है हॉस्पिटल जाने की तैयारी हो रही है। वैसे मेरी गाड़ी खराब है, तंग कर रही है, तुम अपनी चाबी दे दो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें साथ ले आता हूँ। क्यों? ठीक है। वैसे अपने भाई को समझाओ, ये हीरोगिरी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। इस दफा तो मैंने खून की बोतलें दे दी हैं, लेकिन अगली बार नहीं दूंगा। वैसे तुम सुफियान पे गई हो या सुफियान तुम पे ही है? अपने काम से काम रखो। ठीक है, ये लोग चाबी, खुद चले जाओ। सुनो। बोलो। मैं जानती हूँ सुफियान और तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद तुमने फोन डोनेट किया उसके लिए, थैंक यू। ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, उसकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। फिर भी थैंक यू एंड थैंक यू। कैसी हो तुम? कैसी हो सकती है आप? कोई इन सलाखों के पीछे देखकर? तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। तुम घर जाओ, मैं एक दो दिन में आ जाऊंगा। आना तो आपको भी नहीं चाहिए था यहाँ। यहाँ इन सलाखों के पीछे, लेकिन अब मेरी वजह से। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं, सुफियान की वजह से हुआ। और उस घटिया इंसान से किस चीज की उम्मीद कर सकते हैं आप? के जल्दी सब ठीक हो जाए और आप घर वापस आ जाए। सब ठीक हो जाए, बस तुम मेरे साथ कभी ना छोड़ना।
मैं आपके साथ हूँ हमेशा, हर हालात में, हर मुश्किल में मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे यकीन है इस बात पर। वो अब अंकल कह रहे थे कि लॉयर ने कहा है कि जमानत होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन मैंने सुफियान को गोली नहीं चलाई, उसने खुद गोली चलाई थी और मैं ये साबित कर दिया। क्या ये साबित होने तक आप यहाँ रहेंगे? हाँ कानूनी तकाजे तो पूरे करने पड़ते हैं। कानूनी तकाजे? मैं कैसे आपको आजमा लिया आपने अपनी बहन की मोहब्बत को? एक कॉल करके नहीं पूछा उसने अपने भतीजे के बारे में। क्या सोच रहे हैं आप? अब सोचने के लिए ना कुछ नहीं बाकी रहा। साफ जाहिर है आपकी बहन की मोहब्बतें और वफादारियां सिर्फ उस सुतेले बेटे और अपने दामाद के लिए, भतीजे के लिए कुछ नहीं है। एक वो है जिसे ना आपकी फिक्र है ना आपके अकलौते बेटे की, और आप उसे अपनी विरासत में से हिस्सा देने चले। मैं आपको हरगिज ऐसा करने नहीं दूंगी। बहुत चुप बैठी रही हूं मैं। आप अपने बेटे पे हमला होने के बाद तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। मैं आपको ऐसा करने ही नहीं दूंगी। अब जैनब का कोई हक नहीं है। अपने बच्चों का हक मार के मैं उसे नहीं देने दूंगी आपको। गया था मैं पुलिस स्टेशन, शहरोज और वहाब साहब को अच्छी तरह समझा के आ गया कि उनकी की हुई एक एक ज्यादती का बदला सूद समेत वापस लूंगा। बहुत अच्छा किया। अपने बेटे पे हमला करने वालों को भला कौन माफ करता है? आप बस इसी तरह डटे रहिएगा। जानबूझकर शहरोज को अरेस्ट करवाया, क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? तुमने ही तो मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। अफसोस कि मैं आपका ये घिनौना चेहरा पहचान नहीं सकी। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इस कदर शैतान सिफ्त निकलेंगे। आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी भी नहीं। मुझे अब तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। और जब तुम मुझे पहचान ही गई हो तो ये बात भी अच्छी तरह जान लो कि शहरोज अब कभी वापस नहीं आएगा। किससे पूछ कर गई थी आप शहरोज से मिलने? किसकी इजाजत से? शहरोज से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको इजाजत की जरूरत है, मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था आपको। आपके जुनूनी कजन की वजह से मेरा बेटा इस वक्त लॉकअप में बंद है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना आंटी। मैं शहरोज की बीवी हूं और मुझे उनकी फिक्र है। बीवी? एक ऐसी बीवी जिसके आशिक की FIR पे उसका शौहर लॉकअप में बंद है। शर्म तो नहीं आई आपको ये कहते हुए? ये लो बेटा। मैं कमजोर हो गया बच्चा। शाबाश। किसका फोन आ रहा है? रखो और फ्रूट खाओ। चलो दादा बीमार बनने की जरूरत नहीं है। फोन उठाओ सफियान, फोन उठाओ। ये उसैफा पता नहीं कहाँ रह गया। मैंने कुछ दवाएं मंगवाई थी तुम्हारी, मैं जरा जाके देख कर आती हूँ। अच्छा खा लेना पूरा।
नहीं था सुफियान। एक वक्त था जब मैं तुम्हें कॉल किया करता था, तुम्हारा इंतजार किया करता था। कुछ ना तड़पने की बारी तुम्हारी है, अब तुम्हें इंतजार और तड़प का मजा आ। कैसी योजना? तुम्हारी बार बार कॉल ने मुझे ये मैसेज करने पे मजबूर किया। बाद में ये ना कहना कि मैं तुम्हें कॉल करके तंग कर रहा हूं। हेलो। आखिर आप खुद को समझते क्या है? आपने जो हरकत की है ना, वो काबिले नफरत है। आप इस कदर गिर सकते हैं ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत नहीं। मोहब्बत? मोहब्बत तो मुझे आपसे कभी थी ही नहीं। हमदर्दी जरूर थी, लेकिन आपने ये जो हरकत की है ना, उसके बाद तो हमदर्दी भी नहीं रही। मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। आपने आपने जानबूझकर शेरोज को अरेस्ट करवाया। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? तुमने ही तो मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। अफसोस के मैं आपका ये घिनौना चेहरा पहचान नहीं सकी। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इस कदर शैतान सिफ्त निकलेंगे। आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी भी नहीं। मुझे अब तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। और जब तुम मुझे पहचान ही गई हो तो ये बात भी अच्छी तरह जान लो कि शहरोज अब कभी वापस नहीं आएगा। ये तो आपकी भूल है। शहरोज बेकसूर है और उन्हें मैं वापस लेकर आऊंगी हर कीमत पर। अगर बात कीमत अदा करने की है तो मेरे साथ डील कर लो। क्या मतलब है? कैसी डील? मुझसे मिलो फिर बताता हूँ। किसी सूरत नहीं। अब तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। देखो मिलना तो पड़ेगा। अपने शोहर को अगर आजाद देखना चाहती हो तो मेरी ये शर्त पूरी करो। नहीं, मैं आपकी कोई शर्त नहीं मानूंगी। देखो मेरी बात नहीं मानोगी तो अपना नुकसान करोगी। जब मैं शहरोज को अरेस्ट करवाने के लिए खुद को गोली मार सकता हूं तो उसको फांसी पर लटकवाने के लिए मैं खुद की जान ले भी सकता हूं। और वैसे भी शहरोज बेकसूर है, इस बात का वाहिद गवाह मैं खुद हूं। अब पागल हो गए हैं? हाँ, पागल ही तो कर दिया तुमने मुझे। इसीलिए कह रहा हूं मुझसे एक बार मिलो।
बेटा आ जाओ, जूस पी लो, फ्रेश बनवाया है मैंने, ये लो। सुफियान, सुफियान रुको, ये अल्लाह ये कहां निकल गया, अब कौन सी क्यामत आएगा ये मेरा बच्चा, ये अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। गार्ड्स, जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी। बताएं क्यों बुलाया मुझे? मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? तुम मुझसे इतना रूठ क्यों हो जाते? तुम्हें पता तो है कितने अरसे से मैं तुम्हारे पीछे मरा जा रहा हूँ। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं आई, जो काम की बात है वो करें। ये बकवास तो तुम्हें सुननी पड़ेगी, मैं आज भी तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं, मक्कारी है। इसे धोखेबाज और मक्कार इंसान के साथ मोहब्बत का मैं सोच भी नहीं सकती, और मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ मुझे आपसे सिर्फ नफरत है। अच्छा, मोहब्बत किससे करती है? उस शहरों से? हाँ करती हूँ मैं उनसे मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करती हूँ, शौहर हैं वो मेरे। छोड़ दो उसे, बुला ले लो, उसकी जान बख्श दो। दिमाग खराब हो गया आपका? किसी सूरत नहीं, मैं शहरोज को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी ये जिद शहरोज को बहुत महंगी पड़ सकती है। आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते शहरोज का, वो बेकसूर हैं, बहुत जल्द वो बाहर आ जाएंगे। अगर मैं खुद को खत्म कर लूं तो? मैंने ऑलरेडी एक नोट लिख के गाड़ी में रखा हुआ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जान का जिम्मेदार सिर्फ शहरोज होगा। तब भी नहीं छोड़ोगे? तो प्यान ये पागलपन है, आखिर छोड़ क्यों नहीं देते आप हमारी जान? मैं तुम्हें हर तरह से अपनाना चाहता हूं। शर्म आनी चाहिए आप, कितना गिर चुके हैं आप अपने किरदार से, अपने इखलाक से और मेरी नजरों से। सोच लो, आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। मैं शहरोज की जान बख्श दूं, खुद को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत अफसोस की बात है, मैं यहाँ आई तो थी आपको समझाने के लिए कि शायद अभी भी आप में थोड़ा सा एहसास बाकी, मगर नहीं, मुझे अंदाजा हो गया आपको किसी के समझाने की नहीं बल्कि किसी पागल खाने की जरूरत है। तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते। बोला कि तुम शहरों से छोड़ रही। मेरी सोच से भी ज्यादा घिरे हुए इंसान है आप, मैं मर भी जाऊँ ना तब भी शहरों को नहीं छोड़ू, और आप हम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। हाथ छोड़े मेरा। हेल्प, प्लीज हेल्प समबडी, हेल्प। सुफियान अब गलत, गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की ना तो मैं भी गोली मारूंगी। सुफियान, सुफियान, सुफियान आप बहुत गलत कर रहे हैं, मैं कह रही हूं मुझे जाने दे घर। सुफियान, गाड़ी रोको, पिस्टल मुझे दो, दो मम्मा।
क्या हो गया रईसा, क्या बात कर रही हो तुम? वो जख्मी हालत में है, तुमने उसको जाने क्यों दिया बाहर? हवाले किया है पुलिस के सुफियान को। पुलिस? पुलिस के हवाले क्यों किया तुमने? उश्ता को अगवा करने के इल्जाम में। इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? सुफियान की हरकत पर और उसकी तरबियत पर आप लोगों को शर्म नहीं आती तो सच बताने में मैं क्यों शर्म करूं? तुम्हारे पास क्या ऐसा सबूत है कि सुफियान ने ये सब कुछ किया? उसके मकरू अमल की चश्मदीद गवाहों में, और इस बात का सबूत स्ट्रीट कैमरास है जो इस वक्त पुलिस की तहवील में है, और अस्पताल। ये सबूत काफी नहीं है भाई? आप झूठ बोल रहे हैं भाई, ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, ना कि तुमने पुलिस में पकड़वा दिया उसको। वो समझाने की हद से बहुत आगे निकल गया था भाई साहब। बाबा, इनसे बात करने से बेहतर है आप भाई को फोन करेंगे, खैर खबर पूछें। एक बात याद रखिएगा, औलाद जब हद से गुजर जाए ना तो वालदैन के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। सुफियान ने जो हरकत की है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं, आप लोग। पप्पू, अगर आपने मजीद कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। सुफियान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, क्या करूं अम्मा? बाबा देख रही है आपने बाबा का क्या हाल कर दिया, क्या चाहती है पप्पू आखिर आप? इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने जो कुछ किया है ना उस पर मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। बिल्कुल ठीक किया है मैंने। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है भाई कि आप सच का साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भाई को कुछ हुआ ना तो आप कुछ छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। बस बस चलो, तुम अंदर चलो, चलो तुम। तो आगे अपनी असल जगह पे तुम एक मिनट। तो तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है, वरना अभी मैं तुम्हारे पास नहीं, कुछ ना मेरे पास होता। उसने अगर नाम भी अपनी जबान से लिया तो जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। अगर मुझे जान से मार दिया तो सीधा फांसी पे चढ़ जाओगे। वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि उसने मुझसे मिलने आई थी, तो वो बीच में आ गई, वरना उसे ऐसा सबक सिखाता ना कि पूरी जिंदगी। उसना का नाम मिल गया तो मैं जान से मार दूंगा। छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ले जा से।